अभी थोड़ी देर पहले 96 पृष्ठों का जुमला पत्र भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश इकाई ने रिलीज किया। इसका नाम मोदी की गारंटी, भाजपा का भरोसा रखा गया है। लेकिन मोदी की गारंटी वाले इस घोषणा पत्र पर, इस जुमला पत्र पर मोदी जी ने हस्ताक्षर नहीं किया है। अन्य राज्यों में जहां रिलीज हुआ वहां मोदी जी अपने हस्ताक्षर कर रहे हैं, इस जुमला पत्र में मोदी जी ने भी हस्ताक्षर नहीं किया, क्योंकि उनको पता है कि ये झूठ तो वो भी नहीं बचा पाएंगे। इतने जुमले हैं कि उन्होंने भी किनारा कस लिया और मामा जी को इसमें एक जगह हस्ताक्षर करने का मौका मिला। मैं जानना चाहती थी कि क्या बातें हो रही हैं इस घोषणा पत्र में, इस जुमला पत्र में, तो मैं उनकी प्रेस वार्ता सुन रही थी जहां पर आपके एक भी सवाल पूछने का मौका नहीं मिला। लेकिन ऐसा लग रहा था कि ये जुमला पत्र के आवरण का समारोह नहीं है, अनावरण का, ये कहीं पर शिवराज जी की विदाई का समारोह होता हुआ मुझे दिखा। एक गाना भी बाद में चलाया गया 4 मिनट 3 सेकंड का। उस गाने में मोदी जी के अलावा शिवराज जी की एक फोटो थी, सारा गाना मोदी जी पर था और गाने के अंत में था मोदी जी, एमपी के मन में मोदी और मोदी के मन में एमपी। जब मैं शुरू शुरू में चुनाव में यहां आई थी तो सुनती थी भाजपा वाले कहते हैं एमपी के मन में मोदी, मोदी के मन में मामा, मामा जी फिर गायब। तो मामा जी का विदाई समारोह अच्छी तरीके से हुआ और एक बार और प्रतीत हुई कि हार का ठीकरा किसके सिर पर भाजपा में मध्य प्रदेश में फोड़ा जाएगा, अब होड़ इस बात की मची हुई है। और एक चीज साबित और हो गई कि नौटंकी में और झूठ बोलने में अगर मोदी जी को कोई प्रबल चुनौती दे रहा है तो वो विदाई समारोह में अपने ही शामिल हुए मामा जी, मतलब शिवराज जी ने। मैं शुरुआत इस देश की आधी आबादी, मध्य प्रदेश की आधी आबादी, मध्य प्रदेश की महिलाओं से करूंगी, क्योंकि महिलाओं को जो छलता है वो कहीं किसी का सगा नहीं है। अपने आप को मामा जी कहलाते हैं, पूरे प्रदेश में होर्डिंग लगाई है, लाडली बहन योजना को हम 3000 का कर देंगे, 96 पन्नों में एक जगह उसका जिक्र नहीं है, एक जगह ये नहीं बोला गया कि लाडली बहन योजना जो होर्डिंग में लगा हुआ है वो मतलब झूठ है, इस घोषणा इस जुमला पत्र में उसका कोई जिक्र नहीं है। अपनी बहनों को जो छलता है वो मामा क्या कहलाता है ये आप मुझसे बेहतर जानते हैं। पर्व पर त्योहार के पहले मैं क्यों अपना मुंह खराब करूं।